कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को फटकारा, कहा बहस को यहां तक लाए हो तो परिणाम भी भुगतना होगा। असम सीएम को भ्रष्ट कहा था। भारतीय सैनिक एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, त्वांग हिंसक झड़प पर बोले अरुणाचल के बीजेपी सांसद का चीन को हुआ ज्यादा नुकसान। महाराष्ट्र में तेज हुआ राज्यपाल कोश्यारी का विरोध, शिवाजी पर टिप्पणी के विरोध में आज पूरे बंद, एमवीए संभाजी ब्रिगेड ने किया ऐलान। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने दिलीप घोष पर कसा तंज, कहा मॉर्निंग वॉक पर मीडिया में कुछ नहीं कहता। भोगतोई नरसंहार के मुख्य आरोपी की सीबीआई कस्टडी में मौत, कई लोगों को जिंदा जला कर दिया था मौत के हवाले। सदन में जाति और धर्म किया तो होगी कार्यवाही, लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने सदस्यों को दी चेतावनी। सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर केरल हाईकोर्ट ने जताई चिंता, प्रशासन को दिया बेहतर मैनेजमेंट का निर्देश। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा ट्रक ड्राइवर शराब पीकर बच्चों को रौंद देता है। सुशील मोदी बोले 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, कहा इसे तुरंत बंद करना चाहिए, विकसित इकोनॉमीज में 100 से ऊपर की करेंसी नहीं। हरियाणा गृह मंत्री विज की चीन को नसीहत, लिखा यह 1962 के कमजोर दिल वाले पीएम नेहरू का भारत नहीं, शेर दिल मोदी का है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में 9वां दिन, राहुल गांधी को लोगों ने बताई समस्याएं, काम करने के सीएम गहलोत को आदेश दिए। मोदी की हत्या की बात कहने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार, पटेरिया के घर सुबह 5:30 बजे पहुंची पुलिस, पार्टी भी नोटिस देगी। अरुणाचल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ी, पीएलए के 600 जवान गैलवान जैसा हमला करने आए, सेना ने लाठी डंडों से खदेड़ा। जम्मू कश्मीर में 2022 में मारे गए 56 विदेशी आतंकी, आतंकवादी रैंकों में शामिल 86 स्थानीय युवाओं का भी सफाया। शिवाजी विवाद में घिरे महाराष्ट्र गवर्नर की शाह को चिट्ठी, कहा मार्गदर्शन कीजिए, आपके कहने पर राज्यपाल पद स्वीकारा था। सपा एमएलए इरफान के खिलाफ 542 पन्नों की चार्जशीट, जाली आधार कार्ड, एयरपोर्ट होटल के सीसीटीवी फुटेज, एयरलाइंस की रिपोर्ट समेत 5 सबूत दिलाएंगे। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख के भतीजे का मर्डर, चाचा उसके बेटे ने को पीटा फिर गोली मार दी, भीड़ ने आरोपियों को अधमरा किया, पुलिस ने छुड़ाया। रिटायर्ड डीआईजी की पत्नी को उम्र कैद, ऐसी साजिश रची की भाजपा नेत्री को उसकी सुरक्षा में तैनात सिपाही से मरवा दिया था। नोएडा के पब्लिक डोमेन में पहुंची डॉग पॉलिसी, किन नियमों का सख्ती से करना होगा पालन, ये देखिए।
कानपुर में आधी रात बमबाजी फायरिंग। मुंबई में आए हेरा कारीगर से गुंडों ने मांगी 2 लाख, रंगदारी नहीं देने पर किया हमला। पश्चिम बंगाल का सरगना चला रहा यूपी के बिजली मीटर, पूर्वांचल और मध्यांचल तक फैला इनका नेटवर्क, लेसा की लैब से हासिल करता है चिप। माफिया मुख्तार बी वारंट जारी, मुख्तार अंसारी की कस्टडी रिमांड लेगी ईडी, बांदा जेल से लाकर प्रयागराज कोर्ट में पेश करने की तैयारी। गाजियाबाद में महिला से तमंचा दिखाकर लूट, घर के बाहर बैठी थी, अचानक बाइक से आए बदमाश चेन मोबाइल लूट कर भाग गए। कानपुर में हिरासत में युवा व्यवसायी की मौत, परिजनों की पुलिस से झड़प, एसओजी टीम समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुठभेड़ में गिरफ्तार बच्ची का अपहरण, अस्पताल से फरार एक थाना प्रभारी, एक दरोगा, 2 सिपाही सस्पेंड। मेरठ मेडिकल अस्पताल में नवजात का सौदा, मां ने 82,000 में बेचा 3 दिन का बच्चा, देर रात मेडिकल अस्पताल पहुंचे पुलिस, हंगामा। अंबेडकर नगर एसपी ने पुलिस कर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला, 3 प्रभारी व 4 दरोगा का तबादला, भीटी प्रभारी राजीव को क्राइम ब्रांच भेजा गया। हरदोई में 3,000 बिल के बकायेदारों के कनेक्शन कटे, टीम ने 1 करोड़ का वसूला राजस्व, 3 दिन से चल रहा है अभियान। हापुड़ के कोटला में वातियान में नहीं बनी सड़क, सभासद प्रत्याशी बनवा रहे मार्ग का, जनता की सेवा करना ही प्राथमिकता। श्रम कार्ड योजना में बजट नहीं, भटक रहे लाभार्थी, प्रदेश में 8 करोड़ मजदूरों को बनाए गए ई श्रम कार्ड, अब आवेदन करने पर नहीं मिल रहा है लाभ। पार्षदों की नगर निगम से विदाई, 5 साल का कार्यकाल समाप्त, दर्जनों पार्षद विदाई समारोह में नहीं होंगे शामिल। एटा में किसान महापंचायत में उमड़ा जन सैलाब, आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया, 2 फरवरी को फिरोजाबाद में होगी महापंचायत। जौनपुर में हिस्ट्री शीटर सभासद के सिर में गोली मारकर हत्या, दोस्तों के साथ दुकान पर चाय पी रहा था, 1 दिसंबर को जेल से बाहर आया था मृतक। हमीरपुर में मोबाइल चुराने पर युवक की पिटाई, शक होने पर दुकानदार ने तलाशी ली, फिर कनपट्टी पर जड़े थप्पड़, उठक बैठक भी कराई। ₹20 का झांसा देकर मासूम से बलात्कार की कोशिश, घर के बाहर खेल रही थी मासूम बच्ची, बेदवास घर में पहुंची बच्ची ने परिजनों को बताई आप बीती। औरैया में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, पदाधिकारी बोली नफरत भूलकर एकता का दिया संदेश। मुस्लिम परिवारों की हिंदू धर्म में घर वापसी, इमराना से कविता बनी महिला बोली आजम खान ने जबरन कराया था धर्म परिवर्तन। कन्नौज में निकाय चुनाव को लेकर शासन की तैयारी तेज, डीएम ने नामांकन स्थलों का किया निरीक्षण, मतगणना जगह भी चिन्हित किए गए। मथुरा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, चोरी और लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम, बावरिया गैंग का सदस्य अरेस्ट। हरपालपुर कस्बे को नहीं मिला नगर पंचायत का दर्जा, मानकपुरे पर भी नगर पंचायत निवास करने वाले अपने सपने अधूरे।
फरुखाबाद में एसपी के निर्देश के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों से लेकर मोहल्ले में गश्त करेगी पुलिस। खानपुर चकेरी में पैदा हुआ एक और विकास दुबे रंगदारी न मिलने पर 10 राउंड की फायरिंग, क्षेत्र में वर्चस्व बनाने के लिए बमबाजी किया। आगरा में सीआईएसएफ आईजी ने किया ताजमहल का निरीक्षण, ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। फिरोजाबाद में आरक्षण को लेकर हुए लामबद्ध, वार्ड नंबर 24 के लोगों ने एसएससी सीट को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर में जीएसटी अधिकारियों द्वारा जारी अभियान पर लगा विराम, अभियान पर विराम लगने से बाजारों में आई चमक। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के तोता खाटी में खाई की ओर लटकी कार से नीचे गिरा चालक, एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक और बेटी की हुई विदाई, तो दूसरी ओर जली पिता की चिता, विश्वनाथ घाट में नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। युवक ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती से की दोस्ती, पार की हैवानियत के हद, धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को लिया निशाने पर, बोली कांग्रेस के कुछ नेता जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पार्टी उलझ कर रह जाए। हिमाचल में निराशा हाथ लगने के बाद रमेश पोखरियाल निरीक्षक के घर जुटे दिग्गज, भावी रणनीति पर मंथन। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे पर बाघ ने किया विक्षिप्त का शिकार। उत्तराखंड में दो दिनों से धधक रहे पंचाचूली की तलहटी में बुग्याल, दुर्लभ वन जीवों के शिकार का खतरा। रामपुर तिराहा कांड से संबंधित केस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, कहा देहरादून से किस आधार पर हुए ट्रांसफर। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक लगातार गिर रहा तापमान, उधम सिंह नगर में शीतलहर का येलो अलर्ट। उत्तराखंड में लोनीवी में प्रमोशन में हुए फर्जीवाड़े पर बोले सतपाल महाराज, सीएम से न कहता तो दर्ज न होती रिपोर्ट। उत्तराखंड में आजीवन कारावास में महिला और पुरुष कैदी को अब समान सजा, 14 साल में होंगे रिहा, अधिसूचना जारी कर दी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 साल से बंद बीएसएनएल भवन में मिला नर कंकाल, लापता लोगों की जानकारी जुटाने में लगी पुलिस। उत्तराखंड में स्नातक स्तरीय और वन दरोगा समेत भर्तियों के पेपर हुए लीक, उन पर 15 दिनों में होगा फैसला। उत्तराखंड के रुड़की में ट्रांसफार्मर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों के साथ लपटे उठती देख मची भगदड़, 7 घंटे में पाया गया काबू। चीन में बेकाबू हो रहा है कोरोना, जीरो कोविड पॉलिसी में दी गई ढील, न बिगाड़े हालात, अस्पतालों में मरीजों की भीड़। एलन मस्क ने कोरोना पर राष्ट्रपति बाइडेन के सलाहकार डॉक्टर फौची पर साधा निशाना, बचाव में उतरा व्हाइट हाउस।
चीन और रूस का काल बनेगा अमेरिकी ब्रह्मास, पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट। भारत की अध्यक्षता को मिला G7 देशों के समर्थन, सभी ने न्यायपूर्ण दुनिया के प्रति जताई प्रतिबद्धता। दुनिया भर में बढ़ रहा है चीन का दखल, पाकिस्तान को करता है सबसे ज्यादा प्रभावित जर्मनी, ब्रिटेन पर भी असर। जबरन मिलिट्री करियर में धकेले जा रहे हजारों बच्चे, अमेरिका के कई पब्लिक स्कूलों पर लगे आरोप, बच्चे और मां बाप कर रहे विरोध। भगोड़े नित्यानंद की प्रतिनिधि को ब्रिटिश संसद से न्योता, रेप और किडनैपिंग के आरोप के बाद भारत छोड़कर भाग गया था बाबा। काबुल में चीनी होटल पर हमला, तालिबान हुकूमत ने कहा तीनों हमलावर मारे गए, दो विदेशी नागरिक घायल। अमेरिका ने पकड़ा 1988 के आतंकी हमले का आरोपी, लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, फ्लाइट में किया जा धमाका, 270 लोगों की गई थी जान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की बड़ी मुसीबत, हार के डर से एक बार एक एक करके छोड़ रहे हैं सांसद अपनी सीट। एसबीआई में एफडी कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी। रिलॉन्च हुई ट्विटर ब्लू सर्विस, ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी पहले से मिले ब्लू चेक मार्क हटाए जाएंगे। बैंकक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएस के फाउंडर अरेस्ट, सैम बैंकक्रप्ट को अब बहामा से अमेरिकी प्रत्यर्पित किया जा सकता है। ग्यारह महीने के निचले स्तर पर महंगाई, खाने पीने के सामान और सब्जी हुई सस्ती, रिटेल महंगाई नवंबर में घटकर 5% 8-8% पर आ गई। टाटा भारत में खोलेगा एप्पल के 100 स्टोर्स, मॉल और हाई स्ट्रीट जैसी जगहों पर होंगे। जेपी के सीमेंट प्लांट खरीदेगा डालमिया भारत, 5,666 करोड़ रुपए में डील, जयप्रकाश एसोसिएट ने कर्ज कम करने के लिए बेचे प्लान। मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर के 265 आइटम, ज्यादातर के दाम $25 या $50, 17 जनवरी से ऑनलाइन ऑक्शन। यूनियन बैंक का कर्ज 0.05% महंगा, एयर इंडिया 50 बोइंग 737 मैक्स खरीदेगी। भारतीय उद्योग का सबसे खराब प्रदर्शन, औद्योगिक उत्पाद घटकर 26 माह के निचले स्तर पर। एनसीडीआरसी का ऐतिहासिक फैसला, फ्लोटिंग ब्याज दर में बदलाव की सूचना देने के लिए बैंक बाध्य नहीं। मुल्तान टेस्ट में पाक फैंस का कोहली को संदेश, एशिया कप खेलो हम आपको बाबर से ज्यादा प्यार देंगे, भारतीय बोले पहले आतंकवाद बंद करो। टेस्ट सीरीज के पहले बांग्लादेश को लग सकता है बड़ा झटका, कप्तान शाकिब अल हसन चोट के बाद आए हॉस्पिटल। ईशान के प्रचंड दोहरे शतक पर दिनेश कार्तिक का बयान, बोले यह पारी एक शानदार करियर का अंत कर सकती है।
नर्वस नाइटीज में विराट ने दी ईशान को सलाह, बताया विराट भैया आप प्लीज मुझे सिंगल के लिए टोकते रहना नहीं तो मैं बॉल उड़ा दूंगा। फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ 4 मैच बाकी, गोल्डन बूट के लिए फ्रांस के केनियो एम्पापे सबसे आगे, मेसी गिरोड भी रेस में शामिल। फाइनल से एक कदम दूरी, मेसी फुटबॉल वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल एक क्रोएशिया अर्जेंटीना के बीच। बाईस साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता इंग्लैंड, पाक अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से भी बाहर। प्लेन क्रैश में बाल बाल बचे डबल ओलंपिक चैंपियन रुदिशा, केन्या में हुई दुर्घटना उलट गया प्लेन, एथलीट ने कहा खौफनाक। बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो सकते हैं रहाड़े ईशांत, सूर्या गिल को मिल सकता है प्रमोशन। कोहली के 72वें शतक पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज राशिद लतीफ ने दिया बड़ा बयान, बोला यह शतक गिनने का वक्त नहीं है। मुंबई में बोटिंग का लुफ्त उठाती दिखी पृथ्वी जिंटा, भारत लौटते ही बेस्ट फ्रेंड सुजैन खान संग चिलकरती नजर आई। आथिया शेट्टी केएल राहुल की डेटिंग डेट हुई लीक, दोनों 23 जनवरी 2023 के बीच साउथ इंडियन रीति रिवाज से करेंगे शादी। पार्टी में अनकंफर्टेबल हुई विद्या बालन, शख्स के हाथ में फंसी साड़ी, सोशल मीडिया यूजर्स बोले फंसी नहीं खींची गई है। बर्फबारी के बीच टाइगर श्रॉफ हुए सटलेश, -7 डिग्री टेम्परेचर में दिखाई टोंट बॉडी। पेप्रोजी पर फूटा मुनमुन दत्ता का गुस्सा, बोली कैमरे के पीछे से बेहुदा कमेंट करना बंद करें। करीना के साथ वर्कआउट में जुटे नन्हे जय, एक्सरसाइज के दौरान किया परेशान, फैंस को पसंद आया मां बेटे का बॉन्ड। नौरा ने जैकलीन के खिलाफ दायर किया मानहानि का मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप, कहा जबरन सुकेश के साथ जोड़ा मेरा नाम। पुष्पा के प्रोड्यूसर के घर आईटी के रेट, 15 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी, कंपनी में विदेशी फंडिंग होने का शक। कृति सेनन का ट्रेडिशनल अवतार मनीष मल्होत्रा के डिजाइनर आउटफिट में कृति ने कराया शूट, वीडियो देख फैंस ने लुटाया प्यार। जल्द पेरेंट्स बनने वाले रामचरण उपासना, शादी के 10 साल बाद कपल ने दी गुड न्यूज, 2023 में आएगा नन्हा मेहमान। फिलहाल आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।